सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। इसको जब भी वहां देखो ना मुझे हंसी आती है, और आप लोगों को भी सेम लगता होगा कि ये यहाँ बैठे रहते हैं वो वहाँ बैठे रहता है करके। तो मुझे बनानी की है अभी कोचाई के पत्तों की बड़ी, अरवी के पत्तों की बड़ी बनानी की है। हम लोग कोचाई के पत्ते बोलते हैं उसको, और बहुत से जगह नहीं है शायद उसको अरवी के पत्ते भी बोले जाते हैं। तो आवाज़ कैसा है मेरी, थोड़ी धीमी हो रही है तबीयत की वजह से, आवाज़ पूरी क्लियर नहीं आ पा रही है। और हमारे तरफ भी गर्मी है, आप लोगों की तरफ पता नहीं अभी गर्मी है या ठंडी है, क्योंकि बारिश कभी नहीं हो रही है। आज थोड़ा सा मौसम बना हुआ है बारिश का, देखते हैं अब शाम तक की बारिश आती है क्या। तो और बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि कोचाई के पत्तों की बड़ी बनाऊँगी, टाइम नहीं मिल पा रहा है, बना ही नहीं पा रही थी। तो सोची कि आज चलो बना भी लेती हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा हुआ ना कि रेसिपी के वीडियो भी और ब्लॉग के वीडियो भी मेरे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि रेसिपी के वीडियो नहीं आ रहे करके। और बीच में मैं जब बाहर गई थी तो मैंने बाहर के ब्लॉग भी शूट करके डाली थी, क्योंकि वो होता है ना एक के हम लोग एक ही एक रूटीन दिखाते रहते हैं, तो उस वजह से भी हमको समझ नहीं आता अब हम आगे चल के क्या दिखाएं। लेकिन हमको काम करना होता है तो हमको मतलब यूट्यूब पर अगर रेगुलर काम करना होता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमारा मतलब अपना बेस्ट दे पाए करके हम लोग। तो बस वही कोशिश कर रही थी। तो पहले तो मैं बड़ी बना लेती हूँ उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ बात करने। तो यहाँ पर मैं अरवी के पत्ते की बड़ी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन डेढ़ कटोरी बेसन ले रही हूँ मैं। ये कहाँ पे बोलते हैं अरवी के पत्ते को, और कोचाई के पत्ते बोलते हैं हम लोग, कहीं अरवी के पत्ते भी बोले जाते हैं इसको। और यहाँ पर मैं डेढ़ कटोरी बेसन ली हूँ, तो एक कटोरी चावल का आटा ले रही हूँ। और ये है मेरे अरवी के पत्ते, अरवी यानी कि कोचाई के पत्ते जो बोलते हैं ना, वो ये है बिल्कुल झाड़ के टूटे हुए फ्रेश पत्ते है। इसको मैंने ऐसी कट कर ली हूँ यहाँ से, नहीं क्या इसको जो डंडी रहती है वो डंडी को कट कर ली हूँ मैंने, और इसको अच्छे से पानी से वॉश करके निकाल ली हूँ। और यहाँ पर क्या मैंने नींबू का रस ली थी, तो नींबू का रस जो है ना, तो मैंने तीन नींबू का रस ली हूँ और इसमें पानी ऐड करी हूँ मैंने। और ये सारे मसाले हैं, इसमें लाल मिर्ची 4 चम्मच ली हूँ मैंने, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, धनिया पाउडर मैंने 1/2 चम्मच ली हूँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर ले ली, और हल्दी पाउडर है यहाँ पर 2 चम्मच, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये टेस्टी लगती है खाने में, और अगर आपको थोड़ी कड़क चाहिए तो आप चावल का आटा इसमें ज़्यादा कर सकते हो, और हमारे यहाँ ज़्यादा कड़क भी नहीं हो रहा, नरम भी नहीं हो रहा, इस वजह से मैंने चावल का आटा जो है ना वो कम डाली हूँ। और अब हम ये नींबू के रस से इसको सारे को भिगा लेंगे, हम पानी भी ऐड करेंगे इसमें। और कोचाई के पत्ते होते हैं ना तो ये मुँह खुजाता है, इस वजह से हमको नहीं का थोड़ा सा नींबू ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, और हम इसका ऐसा पेस्ट बना लेंगे। अब ये पेस्ट मेरा इस तरीके से बन चुका है, मैंने इस तरीके से बना ली हूँ अच्छे से पेस्ट। अब इसको नहीं किया मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, ऐसा हमको पूरे पत्तों पर फैला देने का है। और ध्यान रखिए इसे अच्छे से लगाए, क्योंकि जितनी अच्छे से लगेगा ना उतना अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब हम इसके ऊपर ये दूसरा पत्ता बिछा देंगे, एक पत्ता ये हो चुका हमारा, अब इसके ऊपर ये दूसरा पत्ता इस तरीके से मटाएंगे हम, ताकि हमारे को फोल्ड करने के लिए अच्छा हो। फट गया कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अगर फट भी गया तो, बट पूरे पत्ते ना फाड़े, क्योंकि ये फट गया है, जिसको नहीं आता है ना वो तो बिल्कुल फाड़ने की कोशिश ना करे पत्तों को। तो अब हमको आता है तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, कवर कर लेंगे बराबर, फिर इसके ऊपर फिर ये पत्ता रख देंगे हम ऐसा इस तरीके से, उल्टा सीधा उल्टा सीधा रखिए, चाहे तो आप सीधा सीधा भी रख सकते हैं, मैं उल्टा सीधा रख रही हूँ पत्ता। फट जा रही है पत्ता? हाँ फट जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है फटने से भी, तो हमको आता है बनाना। हाँ क्योंकि हमको बनाना आता है। अब ये वाला पत्ता लगा दिए हमने, 3 से 4 पत्ते हमको मतलब लगाने के हैं बिछाने के। अब ये पूरे पत्ते हो गए हमारे ऐसी, अब हम इसको नीचे ऐसा पलट देंगे एक साइड से, फिर इसको भी यहाँ पर हम ऐसे लगा लेंगे, और चारों पांचों पत्ते एक साथ फोल्ड करना पड़ता है। हाँ पूरे पत्ते इकट्ठे फोल्ड करना पड़ता है। हाँ अलग अलग करेंगे, हाँ अलग अलग नहीं करेंगे, बोलेंगे एक पत्ती पत्ती बन रही, हाँ
अब इसको हम यहाँ पर इसको ऐसा फोल्ड कर देंगे इस तरीके से कि हमारा बेसन निकल अच्छा लगना चाहिए। बेसन अच्छा लगेगा तब पत्तों में टेस्ट आता है। अब हम इसको ऐसा ऐसा टाइट फोल्ड करना है हमको कि लूज ना पड़े, इसका ध्यान रखें। ये इस तरीके से ये हो गई हमारी एक बड़ी रेडी। बचा हुआ बेसन हम यहाँ पर लगा लेंगे और ये देखिए इसको हम यहाँ लेके, हमने एक गंज लिए इसमें पानी गर्म को रख दिए है और इसमें हम ये डाल देंगे। और एक ट्रिक और मैं बताती हूँ आपको कि हमारा जो गंज काला हो जाता है ना, हम पानी अगर उबालने के लिए रखते हैं तो गंज काला होता है, तो हमको क्या करना है, नींबू के छिलके हो या इमली हो वो डाल देना पानी में। तो इससे कैसा है, ये जो गंज है ना ये ब्लैक नहीं होगा। अब हम ये सारी बड़ी ऐसी बना के रख देंगे। भाभी के यहाँ से आए हैं गुलाब जामुन, क्योंकि आज निक्या मीटिंग थी। एक आपस खाना। अच्छा तो अहरार खा रहा है गुलाब जामुन। भाभी के हाथ के गुलाब जामुन टेस्टी होते हैं, है ना अहरार आंटी के हाथ के? बिल्कुल, इसका कलर भी देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल। दिखा ना हाथ सरका ना थोड़ा सा। हाँ तो ये देखिए गुलाब जामुन ऐसे लग रहे हैं जैसे मार्केट के है करके। बहुत टेस्टी बनाते हैं वैसे गुलाब जामुन, तो मैं तो खा के आ गई थी, अहरार नहीं खाया था इसलिए अहरार खा लिया है। हाँ हाँ सोचने का भी नहीं खाने का, खा लीजिए आप। अब ये देखिए मैंने इसमें बड़ी रख दी हूँ और नीचे पानी है, पानी गर्म हो रहा है और ये ऊपर में चलनी के ऊपर में बड़ी है। अब हम इसको भापना जाए इस तरीके से ऐसा ढक देंगे और इसको पकने देंगे और हम चेक करेंगे बाद में आधा घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद कि पका है या नहीं करके, उसके बाद में हम फिर इसको बंद करेंगे तकरीबन। तो भी इसको आधा घंटा लगेगा, तो हम इसे रुक के रहने देते हैं जब तक कि। तो देखिए हमारी सारी बड़ी बन के रेडी हो चुकी है। मैंने इसको ऐसे चम्मच लगा के देख ली थी, चेक कर ली थी, तो ये चम्मच लगाने के बाद में देखिए इस तरीके से हो जाती है। तो ये बड़ी हो चुकी है रेडी। तो सारी बड़ी मैंने ऐसी कट कर ली हूँ। अहरार नहीं है ना तो पकड़ने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से मैंने आपको कटिंग करते हुए दिखाया। इसको कट कर लिया, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। लाइट भी एक तो बंद हो चुकी है ना, तो लाइट बंद होने की वजह से और अंधेरा आ रहा है और यहाँ पर हो रहा है तेल गरम और मैं इसको करती हूँ फ्राई, क्योंकि अभी अहरार नहीं है ना तो उस वजह से इनका मोबाइल पकड़ने की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अहरार आता है तो फिर उसके पास में मैं मोबाइल देती हूँ। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम क्या करेंगे इसमें एक एक करके इसी बड़ी को ऐड कर देंगे। और इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम। तो ये देखिए हमारे एक साइड से बड़ी हो चुकी थी, मैंने एक साइड से पलटा दी हूँ इसको। और ये देखिए इस तरीके से हमको इसको पलटा देने का है और हल्का सा होने देने का है, फिर हम अब इसको निकाल लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर बड़ी तो हमारी फ्राई हो चुकी है, साथ ही मैं अभी यहाँ पर खाना निकाल रही हूँ। तो ये हो गया है, मैंने इसमें निकाली हूँ अचार, तुअर की दाल और अहरार आया है तो अहरार ने मोबाइल पकड़ के रखा है। साथ ही यहाँ पर मैंने बनाई थी मटर, हरे वाले जो सूखे मटर होते हैं ना, तो सूखे वाले मटर बनाई हूँ मैंने, सूखे वाले बनाई हूँ और सूखे ही बनाई हूँ। ये देख लीजिए आप लोग, ये सूखे बनाई हूँ मैंने, मतलब इसमें शीरा वीरा कुछ नहीं की हूँ। और ये हो गई हमारी बड़ी फ्राई करके। साथ ही मैंने निकल यहाँ पर थोड़ा सा ले ली हूँ अचार, आम का अचार जो मैंने बनाई थी वो, और इसके ऊपर हम ऐसे रख देंगे बड़ी। तो ये हमारा हो चुका है खाना अभी के लिए रेडी, अब हम इसको देखते हैं खा करके कैसा बना है। तो अब फाइनली हमारा खाना भी हो गया। तेज लगा तेरे को क्या खाया तेज? अब मेरे बाबू, अब थोड़ा बाबू अच्छा लग रहा है क्योंकि अब सही चेहरा आ रहा है, वरना शेविंग वगैरह करके आया था तो बहुत अजीब सा दिख रहा था, है ना? नाक में क्यों चढ़ाते रहता है ऐसी 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 सी क्या ये सब करना, मजा आती है। तो खाना वगैरह हम लोगों का फाइनली हो चुका है और निके ये मशीन की आवाज़ आती रहती है आप लोगों को, आप लोग सोचते हो काय की आवाज़ है, तो मेरी हाँ हम लोग इसको अगर बंद करते ना वीडियो बनाने के लिए तो फिर हम लोगों को चालू करने की याद नहीं रहती है। और अहरान यहाँ पर सोता है बट इसको तो बिल्कुल भी याद नहीं रहती है, रहती है यार नहीं रहती है। और मेरा भी फिर ध्यान से निकल जाता है, मैं वीडियो बनाती हूँ यहाँ से उठ के जाती हूँ और वो बेचारी मेरी प्यारी सी क्यूटी सी फिश जो है ना फिर वो वैसी रह जाती है। एक तो लाइट का इतना परेशानी हो रही है ना कि बहुत ज़्यादा लाइट बंद रह रही है, तो वैसा भी उसको बिना लाइट के रहना पड़ता है। फिर मैं वीडियो के लिए बंद कर देती तो अलग परेशानी हो जाती है उसको।
ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। यहाँ पर ही एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ अल्लाह हाफिज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।